गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 14 जनवरी है 2021। आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी है। ओके, 16 जनवरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 16 जनवरी को झारखंड में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया जाएगा? देखिए, ऑफिशियली जो है 16 जनवरी से यह स्टार्ट हो रहा है, और जो वैक्सीन का पहला टीका है ये बन्ना गुप्ता, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें लगाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड को कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन के 1.62 लाख डोज की पहली खेप 13 जनवरी को दी गई है। इसे वर्तमान में नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन सेंटर में रखा गया है। टीके की दूसरी खेप 15 दिन बाद आएगी। झारखंड में 16 जनवरी को टीकाकरण के पहले चरण में 1.31 लाख चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। पहले चरण में जिन्हें भी टीका दिया जाएगा उन्हें 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। बाकी बचे 31,000 डोज आर्मी के जवानों को दिए जाएंगे। 16 जनवरी को पहला टीका स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लगाया जाएगा। ओके, राज्य में दूसरे फेज में 2.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे फेज के लिए 70 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, पीएचडी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला झारखंड के पहले सरकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? देखिए, अभी तक होता क्या था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी कोई करता है तो उसे स्कॉलरशिप तो मिलना ही है, लेकिन वो स्कॉलरशिप या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलता था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलता था। ओके, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल रहा है। ओके, तो किस यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसा किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये किया जा रहा है। ऑप्शंस में क्या है, देखिए ऑप्शंस में जो आप नाम देख रहे हैं सभी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का ही यूनिवर्सिटी है, कोई भी सेंट्रल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये इसका सही आंसर है। ओके, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल कहने का मतलब था कि जैसे ISM हो गया, NIT हो गया वो, ठीक है, तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये जो है अपनी तरफ से जो इसके PhD स्कॉलर्स होंगे उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। देखिए, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के PhD पाठ्यक्रमों में नामांकित वैसे स्कॉलर्स रिसर्चर्स को जिन्होंने जेट गेट क्वालिफाई किया है उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि जो एग्जामिनेशन होता है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में गेट होता है, ठीक है, उसी तरह से JTU राज्य का पहला ऐसा सरकारी विश्वविद्यालय होगा जो PhD विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में ट्राइबल सेल की स्थापना भी की जा रही है, जिसके अंतर्गत जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा और साथ ही उन्हें उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर खोलने की स्वीकृति भी दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कितनी संख्या ज्ञात हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले जब रिपोर्ट आया था कि पलामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं, तो कितने पाए गए थे, 0 पाए गए थे, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि हो सकता है कि देखिए, जिसे डेंस इलाका होता है और एक होता है नॉर्मल टाइप का जिसमें कम पेड़ पौधे हैं, तो कैमरा क्या है कि सब जगह लगा होता है। अब यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है, कैमरा यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट टाइप का है, तो सभी कैमरे को जो भी नॉन डेंस इलाके में है, मतलब कि जहाँ कम जंगल है, तो सभी
कैमरे को उठाकर सभी कैमरे को निकालकर सिर्फ और सिर्फ डेंस इलाके में लगा दिया गया, ये सोचकर कि जो बाघ हैं सारे इसमें चले गए होंगे। लेकिन यहाँ भी बाघ जो है नहीं पाया गया। तो फाइनली ये पता लगा कि जो बाघ है, जो कॉरिडोर बना हुआ है झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, तो छत्तीसगढ़ होते हुए सभी मध्य प्रदेश चले गए हैं। तो इसमें यही रिज़ल्ट आया है। और इसके अकॉर्डिंग जो काउंटिंग है, यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप जीरो ही मारेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि डेंस इलाके में चला गया है, तो इसलिए कैमरा को जो है वैसे जगह में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर घने जंगल हैं, डेंस इलाका है जंगलों का। लेकिन वहाँ भी एक भी रिकॉर्ड में एक भी बाघ नहीं पाया गया है। तो यहाँ पर जीरो आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ, देखिए ये जो है ना, आप अगर आप चाहेंगे तो हर पॉइंट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से नोट्स बना के इसलिए दिया गया है ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ें इसका, अभी तो आप उतना अपने कॉपी में नहीं लिख पाएंगे, अगर आप इसका पीडीएफ पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर के अलावे काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। यही रीज़न है कि इस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए, पलामू बाघ अभयारण्य में नए सिरे से बाघों की तलाश की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। प्रारंभिक चरण में यहाँ एक भी बाघ नहीं मिले हैं। शुरुआत में यह माना गया कि नक्सली गतिविधियाँ, लैंड माइंस और इंसानों की दखल के कारण बाघ घने वन की ओर से रहने लगे होंगे, इसलिए बाघों का प्रमाण ढूंढने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में करीब 350 कैमरों का स्थान बदलकर घने वन की ओर लगाया गया। लेकिन इन कैमरों की हजारों फुटेज में अब तक एक भी बाघ नहीं दिखा है। रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी 2020 तक पीटीआर में, मतलब पलामू टाइगर रिजर्व में, कहाँ था मैं, हाँ अक्टूबर में, पिछले वर्ष अक्टूबर में करीब 350 कैमरों का स्थान बदलकर घने वन की ओर लगाया गया। लेकिन इन कैमरों की हजारों फुटेज में अब तक एक में भी बाघ नहीं दिखा। रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी 2020 तक पीटीआर में बाघ दिखा, उसके बाद अक्टूबर, ये फरवरी 2020 तक दिखा था, लेकिन उसके बाद 11 महीने हो गए पीटीआर में एक भी बाघ नहीं दिखे हैं, ठीक है। इस पॉइंट में था। अब यहाँ पर क्या है कि पीटीआर हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिलो फॉर, यहाँ जो पीटीआर के लिए जो है पलामू टाइगर रिजर्व के लिए कुछ यह नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने बताया कि बुक में भी क्या है कि इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, और इस तरह से नोट्स की तरह पॉइंट वाइज आपको नहीं मिलेगा, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप सोचें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही कारण है कि यहाँ से आपको जो है पीटीआर के लिए एक नोट्स की तरह बना के दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कॉपी में, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाटा स्टील ने ऑफिशियल काम के लिए किस एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है, रोक लगा दी है। सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन सी व्हाट्सएप, इसका जो प्राइवेसी वाला नया रूल आया है उसी को मद्देनज़र, मतलब उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि आपका जो चैट है उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इसके लिए जो डेडलाइन है एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने का वो 8 फरवरी है, मतलब कि कोई चारा नहीं छोड़ा गया है। 8 फरवरी तक अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर एक ही बचेगा उपाय, या तो आप व्हाट्सएप को हटाइए, अपना अकाउंट हटाइए, या फिर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए बस। तो इसी कारण से क्या है कि एक तो एलन मस्क ने जो अनाउंस कर दिया कि आप व्हाट्सएप को छोड़कर इसका जो अल्टरनेटिव है सिग्नल, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसी दिन इसका जो शेयर है 1000 गुना बढ़ गया था। तो लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम में डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। तब जाके व्हाट्सएप ने कल ही जितने भी न्यूज़पेपर थे सभी में अपनी सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
लेकिन एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट ही है, प्राइवेसी एग्रीमेंट सिंपल वर्ड में वहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन सी व्हाट्सएप इसका सही आंसर है। ओके देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के विरोध में टाटा स्टील ने ऑफिशियल काम के लिए व्हाट्सएप पर रोक लगा दी है। टाटा स्टील ने यह निर्णय क्यों लिया? व्हाट्सएप के नए अपडेट के मुताबिक व्हाट्सएप यूज़र डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा। इस डेटा में देखिए, इस डेटा में क्या क्या शेयर किया जाएगा इसे आप समझिए। लोकेशन की जानकारी, आईपी एड्रेस, टाइम जोन, फ़ोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ब्राउज़र, मोबाइल नेटवर्क, आईएसपी, भाषा, टाइम जोन और आईएमईआई नंबर शामिल हैं। इतना ही नहीं, आप किस तरह मैसेज या कॉल करते हैं, किन ग्रुप्स में जुड़े हैं, आपका स्टेटस, प्रोफाइल फ़ोटो और लास्ट सीन तक शेयर किया जाएगा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये प्राइवेसी के साथ कितना ज़्यादा छेड़खानी किया जा रहा है। ओके, अपडेट में कहा गया कि व्हाट्सएप की सर्विस जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक नई डेटा शेयरिंग पॉलिसी को मानना ही होगा या वे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पहले चरण में झारखंड के कितने शहरों में ट्राइबल हार्ट की शुरुआत की जा रही है? तो ये जो है 4 शहरों में इसकी शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये 4 शहर कौन कौन से, इसे भी आप देख लीजिए, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और दुमका, यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। ट्राइबल हार्ट में केवल आदिवासी और झारखंडी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। ट्राइबल हार्ट का उद्देश्य आदिवासी और झारखंडी उत्पादों को ट्राइबल हार्ट में प्रमुखता दिलाना है। झारखंडी और आदिवासी उत्पादों को एक केंद्र मिलेगा जहाँ से वे अपने उत्पाद को बेचकर आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि किन उत्पादों को ट्राइबल हार्ट में जगह मिलेगी। औषधीय पौधे हैं जिनसे तरह तरह की दवाएं बनती हैं, बांस और पत्तों के उत्पाद के अलावा शहद, खादी, सिल्क, झाड़ क्राफ्ट से जुड़े उत्पाद इत्यादि। चलिए कुछ और क्वेश्चंस उसे भी देख लेते हैं हम लोग। ई प्रोक्योरमेंट और परिचय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कब किया गया है? तो वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा जो कि रांची की है, इसकी ओर से मानव संसाधन विकास योजना के तहत भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की ओर से 12 जनवरी को ई प्रोक्योरमेंट और परिचय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में टूसू पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो टूसू पर्व जो है झारखंड में ये मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पर इसके बारे में। मकर संक्रांति के अवसर पर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में टूसू का पर्व मनाया जाता है। टूसू पर्व को झारखंडी संस्कृति का धरोहर माना जाता है। यह पर्व झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर व बांकुड़ा जिले, उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज, बारीपदा जिलों में मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मयूरभंज किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है, और जिस चीज़ के लिए फेमस है झारखंड भी उसी चीज़ के लिए, झारखंड का कोई शहर है उस चीज़ के लिए झारखंड का वो शहर भी फेमस है। तो आप यहाँ पर अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मयूरभंज और झारखंड का एक शहर है, इन दोनों में एक समानता है क्योंकि दोनों ही किसी एक खास चीज़ के लिए फेमस है। ओके, चलिए कमेंट करके आप मुझे बताइए। करीब एक माह पहले पौष माह से ही टूसू मनी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। इस काम को केवल कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। गांव में टूसू मनी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, थीम के साथ किस रेडियो स्टेशन ने जागरूकता अभियान चलाया था? तो ऑप्शन बी रेडियो खांची, ये इसका सही आंसर है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सड़क हादसों के लिहाज से देश भर में कौन से स्थान पर, झारखंड राज्य सड़क हादसों के लिहाज से देश भर में कौन से स्थान पर रहा है?
12वां, 18वां, 14 या फिर 20, आप जो आंसर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर देखिए 2019 का डेटा है, ये 2019 का है, 2020 में आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। तो अपना आंसर आप कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके ही आप क्लोज करें। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब पिछले 2 दिनों का, इसका कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ से आप ये जो जानकारियाँ एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मेंशन किए गए थे, खासकर पदरातू, जो पलामू टाइगर रिजर्व, पदरातू में बोला था, पलामू टाइगर रिजर्व है उसके बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, धन्यवाद।